So good morning everyone, I welcome you all to UIS. We will discuss today's topics. आज के जो टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ा समय लग गया. काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आप देख सकते हो, ठीक है. सो यू हैव दिस ऑल दिस टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक एक करके इन टूडेज सेशन. सो सरस 3 के बारे में वी विल डिस्कस, कोलाकाली आर्ट के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस, सो क्या है ये टेक्नोलॉजी, क्या है फुटबॉल के कंटेक्स्ट में, ऑफ गूगल पे फाइन लगा है, LGBTQ राइट्स, GM क्रॉप्स, फर्स्ट एवर लॉन्च पैड फॉर द प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च, ग्लोबल सीड स्कीम. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो आज काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके थे, तो इनको पढ़ने में भी थोड़ा समय लग गया. तो देखो सरस 3 जो है साइंस एंड टेक का टॉपिक है. कोलाकाली आर्ट की बात करें तो आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में. डोमेस्टिक वायलेंस सोसाइटी से रिलेटेड भी टॉपिक आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एंड GS पेपर 2 के अंदर भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं. सो साइंस एंड टेक का टॉपिक है, ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस आस्पेक्ट, प्राइवेसी एंड ऑल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं. ये टॉपिक भी सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी आस्पेक्ट GS पेपर 1 के अंदर. GM क्रॉप ये साइंस का टॉपिक है GS पेपर 3 के अंदर. फिर ये लॉन्च पैड ये भी साइंस टेक का टॉपिक है, ठीक है. इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो उसमें देयर कैन बी अ क्वेश्चन. ग्लोबल सील्ड स्कीम ये भी टॉपिक आपका एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, और COP 27 के कंटेक्स्ट में भी याद रखना है देयर कैन बी अ क्वेश्चन. तो उसमें इस स्कीम के बारे में वी कैन मेंशन कि क्या क्या ये सारे जो टॉपिक्स हैं. तो ये टॉपिक्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी.com में जाना, UPSC CSE सेलेक्ट करना, कोड डाल देना SPLIVE, कोड डाल करके आप ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट कोर्स दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा. तो इसमें करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, उसमें माइंड मैप्स भी हैं और आपके MCQs भी है, आंसर राइटिंग भी है, जितने भी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स के लिए करनी है एक साथ क्लास होती है, तो आप उसको कर सकते हैं. 23-24 की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मिस नहीं करना है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज आपके अनअकैडमी के अंदर आई विल टेक क्लास, फ्री क्लास आई विल टेक, है ना, 4 बजे है और रात को 10 बजे, ये 2 क्लासेस आपकी होंगी. तो ये ज्योग्राफी के ऊपर है, मतलब जो नेशनल पार्क है उनकी ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा आपका सेशन होगा. लिंक मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अटेंड कर लेना. तो यहाँ पे अभी जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हो तो ये सारे कोर्स आप एनरोल कर सकते हो. जैसे ये आपके पास यू हैव रफ्तार बैच इज देयर, दिसंबर 1st से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेट बैच इज देयर, ठीक है. तो यू हैव दिस इंग्लिश में भी है. तो अभी ये ऑफर चल रहा है, इसका लास्ट डे है 30th. तो इसका इसमें आप जब ज्वाइन करते हो तो ये सारा ह्यूज डिस्काउंट है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल भी इसी में इंक्लूडेड है. ऑप्शनल और GS के सारे सब्जेक्ट है ना, जनरल स्टडीज के जितने सब्जेक्ट प्रीलिम्स मेंस के अंदर है, सब कुछ आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे, और मल्टीपल टॉपिक जो है कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं. तो ये कोड याद रखना, दैट इज SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, रेडियो टेलीस्कोप फ्लोटिंग इन कर्नाटका वाटर्स थ्रू लाइट ऑन नेचर ऑफ अर्ली स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है. तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है, ठीक है. तो इसको देखते हैं. तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज है कि कोई भी जो बॉडी है, जैसे यूनिवर्स के अंदर इफ इट इज प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो कई प्रकार की जो रेडियो वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं. जैसे ये आप देख सकते हो, दीज रेडियो वेव्स आर जनरेटेड, ये रेडियो वेव्स आपकी जनरेट होती है, और फिर आपके पास कई रेडियो जो वेव्स जिनको डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप आप बना के रखते हो. तो स्पेसिफिकली सरस 3 जो है वो एक बनाया गया है, जो टेलीस्कोप है वो एक वाटर बॉडी में ऐसा रखा गया है, उस वाटर बॉडी का नाम आगे देखेंगे. तो जो कि ये जो रेडियो वेव्स है, इवन जो लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं उनको भी ये इजिली डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है. लो फ्रिक्वेंसी जो रेडियो वेव्स है उसको डिटेक्ट कर सकता है. तो अभी स्टडी कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जब पहला स्टार बना होगा, पहली गैलेक्सी बनी होगी, क्या उसका कुछ कंपोनेंट बचा है, क्या उससे कोई ऐसा रेडियो वेव्स जनरेट हो रही है क्या, तो उसको ये लोग डिटेक्ट कर रहे हैं. दे जस्ट ट्राई टू थिंक कि अच्छा जब बिग बैंग हुआ था तो उससे पहले, मतलब उस समय पहला जब स्टार बना, गैलेक्सी बनी, तो कैसा वो कैसे थे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी, इस सब को स्टडी करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है. तो ये जो रेडियो वेव्स हैं, दीज रेडियो वेव्स विच आर कमिंग, दीज रेडियो वेव्स आर डिटेक्टेड बाय दिस टेलीस्कोप, जो कि रेडियो वेव्स टेलीस्कोप है, और इसका एग्जांपल आपका दिया गया सरस.
तो सरस क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल एफर्ट है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आता है, ये दो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा ही आपका किया जा रहा है। और इस जो एक्सपेरिमेंट है इसके माध्यम से जो रेडियो टेलीस्कोप है, एक हाई क्वालिटी जो है रेडियो वेव्स, उसको आपका डिटेक्ट किया जा रहा है, जिससे जो कॉस्मिक डॉन, मतलब जब आपका जो कॉस्मिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स यूनिवर्स से आ रही हैं, जब आपका पहला फर्स्ट स्टार या गैलेक्सी बना, उसको डिटेक्ट किया जा सके। पहला स्टार या गैलेक्सी जब यूनिवर्स में बना, तो उसमें जो रेडियो वेव्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके। तो उस डायरेक्शन में ये जो सरस एक्सपेरिमेंट है उसके माध्यम से ये आपके टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। तो जो अभी टेलीस्कोप का सरस 3 नाम आपका रखा गया, तो सरस 3 एक रेडियो टेलीस्कोप है, डिजाइन किया गया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ही रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका आता है। तो ये जो डेटा है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग जो डेटा है टेलीस्कोप के द्वारा डिप्लॉय किया गया है, डिप्लॉयड विच हैज़ बीन डिप्लॉयड, ये दो आपकी वाटर बॉडीज हैं जो कि कर्नाटका के अंदर है, दैट इज डांडी गानाहल्ली लेक और सारावट्टी बैक वाटर्स। तो यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जिसके माध्यम से ही, जैसे वो पिक्चर में अगर आप देख सको ना, इस तरीके से इसको डिप्लॉय किया गया है और वो जो रेडियो वेव्स है उनको ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है, इसमें प्रीलिम्स का प्रश्न आपके लिए बनेगा, मेंस का तो चांस कम है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स का प्रश्न जो है इसमें जरूर से फ्रेम हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोग को अपना अटेंडेंस जरूर से देना है, ठीक है, आप अपना नाम बताओ, जो है किस समय सेशन को अटेंड करते हैं ये भी आप लोग को जरूर से बताना है, ये एक हैबिट बना लेना, ठीक है। तो हमेशा से याद रखना है कि आपको अपना नाम और किस समय आप सेशन को अटेंड करते हैं, अपना स्टेट भी बता सकते हैं, अगर नाम नहीं बताने का मन करता है तो आप अपना स्टेट और जो है किस समय सेशन को अटेंड करते हैं वो आप जरूर से बताएं। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि एक हैबिट आपकी बनी होनी चाहिए कि अच्छा मैं सेशन को इस समय अगर लाइव देख रहा हूँ या रिकॉर्डेड देख रहा हूँ या जब भी देख रहा हूँ तो टाइम फिक्स हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो, तो इससे आपके दूसरे काम की जो रूटीन है दैट विल बी डिस्टर्ब। असल में तो सभी को लाइव देखना चाहिए, बट हाँ कई लोग जॉब करते हैं या कई और कंपल्शंस होते हैं, वो चीज़ें हैं। तो लेकिन जिस भी समय पर आप सेशन को देखते हैं तो वो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए, उसी टाइम पे ही आपको, तो अपना अटेंडेंस आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत छोटा सा इमेज आया है, अगर आप पेपर को थोड़ा सा डेप्थ में अच्छे से देखोगे ना तो एक बहुत ही छोटा सा इमेज है और उसमें फोटो बनी हुई है और उसमें इस आर्ट के बारे में मेंशन है, कोलाकली आर्ट, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कोलाकली आर्ट क्या होती है, बस प्रीलिम्स कॉन्टेक्स्ट में वी शुड बी अवेयर बेसिकली कोलाकली आर्ट क्या होता है। बहुत ही छोटे में एक इमेज बनी हुई है इस आर्ट के बारे में, तो ठीक है, हमको कुछ नया जानने को है वो पता चल रहा है। तो ये कोलाकली जो आर्ट है, ये अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके से गोला बना लेते हैं और फिर ऐसे एक ऐसा इनके हाथ में रहता है जैसे डांडिया टाइप करते हैं, तो ये इस तरीके से फिर डांस करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक फॉल्क आर्ट है, एक काइंड ऑफ अ डांस है जो परफॉर्म किया जाता है मालाबार रीजन जो कि कर्नाटका के अंदर है। ऐसा सर्कल बना लेते हैं और डिपेंडिंग अपॉन डांस के मूव के बेसिस पे ये जो सर्कल है ये बड़ा होगा छोटा होगा, इस तरीके से होता है। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली कोलाकली आर्ट न्यूज़ में था या कभी पूछ लें, है ना, तो पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में मेंशन है, तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट बेसिकली इज कोलाकली आर्ट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर। अब इसमें देखो इन्होंने बहुत सारी ऐसा दुनिया भर की बात बोली है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इन्होंने एक नरेशन भी क्रिएट किया बट वो हम नोट्स में नहीं लिख सकते हैं, हमें जानना है ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे कुछ एक्ट होते हैं हमको उसका पता ही होना चाहिए, हमेशा पढ़ के रखना चाहिए, जैसे पॉस्को एक्ट है या डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो एक्ट आया है, ठीक है, या स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं ना, इनके बारे में आपको थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए हमेशा, क्योंकि कहाँ इस्तेमाल कर लो, कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं, तो इसलिए अभी हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के को रोकने के लिए आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो इसके बारे में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी बेसिक आर्गूमेंट्स हो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, आप जो है खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो डोमेस्टिक वायलेंस से सोसाइटी के अंदर भी टॉपिक आ सकता है, पॉलिटी गवर्नेंस है उस कंटेक्स्ट में भी आपका ये टॉपिक फ्रेम हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2005 के अंदर आया था, ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक वायलेंस को किसी तरीके से रोकना है, ये अनलॉफुल है, पनिशेबल है अगर कोई भी करता है, और जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जस्टिस टाइमली मैनर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में प्रोवाइड करना, टाइमली मैनर में जस्टिस प्रोवाइड करना, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में
जस्टिस आपका प्रोवाइड करना अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, फिर क्या है डोमेस्टिक वायलेंस को होने से रोकना, जब जरूरत हो सर्टेन स्टेप्स आपका लेकर आना, और सफिशिएंट प्रोग्राम एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करना जिससे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं वी कैन से उन्हें रिकवरी हो सके, मतलब उन्हें एक रिहेबिलिटेट रिकवरी और जो भी सपोर्ट है दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, ये सब के प्रावधान आपके इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर है। फिर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट करने की बात की गई, देर शुड बी अ प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑल्सो। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो डिसीजन लेगा कि वेदर वी हैव टू अपॉइंट 2, 3, 1 कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है नीड टू बी अपॉइंटेड इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से आपके पास जो एक और अपॉइंटमेंट और एक रहेंगे जिन्हें हम सर्विस प्रोवाइडर्स कहेंगे, तो जैसे मान लो कोई एसोसिएशन एनजीओज हैं जो कि रजिस्टर्ड, मान लो कुछ एसोसिएशन हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड हैं और लाइक रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956, तो इनका यही है कि जैसे एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, कोई विक्टिम है आपका डोमेस्टिक वायलेंस उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करना, लीगल एड मेडिकल फाइनेंशियल जो भी मदद हो प्रोवाइड करना, तो इनको इनके साथ भी इनका भी एक रोल डिफाइन किया गया सेक्शन 10 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर, तो इनको कंसिडर किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, दे विल बी अ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर किसके लिए, टू जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम है उनके लिए दे विल एक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर। फिर कोई भी जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस का, अगर इफ दे रिक्वायर अ शेल्टर होम देन अंडर सेक्शन 6 ऑफ दैट जो पर्सन इन चार्ज है शेल्टर होम का वो प्रोवाइड करेगा सुटेबल शेल्टर टू द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इन द शेल्टर होम। तो यहाँ पे देर इज अ प्रोविजन ऑफ अ शेल्टर होम ऑल्सो, जैसे आप किसी घर में अगर वायलेंस उस टाइप का है तो फिर देर इज अ प्रोविजन फॉर अ शेल्टर होम ऑल्सो कि उस एनवायरमेंट से दूर रहकर द विक्टिम कैन लिव इन द शेल्टर होम एज वेल, इसका भी प्रावधान आपका मेंशन किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है हमेशा से। अब यहीं से अगर कभी भी कोई प्रश्न, इफ देर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद द डोमेस्टिक वायलेंस यू कैन ईजिली राइट इट डाउन, आप इजिली जो है लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ फीफा इज यूजिंग शॉर्ट फॉर ऑफसाइड डिसीजन। अब देखो अब आप लोग फुटबॉल देखते हो तो आप लोग ज्यादा बेटर जानते होगा ऑफसाइड के बारे में, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये टॉपिक आपके लिए बन जाता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, ठीक है, और बिकॉज देयर इज वर्ल्ड कप गोइंग ऑन, तो हमारे जैसे क्रिकेट की अगर बात करो तो उसमें होता है ना कि थर्ड अंपायर डिसीजन वो रिव्यू सिस्टम होता है, तो यहाँ पे क्या है कि इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर आप व्हेन यू टॉक अबाउट अगर आप बात करो क्रिकेट के अंदर तो रिव्यू सिस्टम होता है और उसमें अल्ट्रा एज और बॉल का वो जो एक पढ़ने के बाद किधर जाएगी इस टाइप से, फिर वो कोई आउट है नहीं आउट है LBW कंटेक्स्ट में उसको बोला जाता है बताया जाता है, इस तरीके से एक सिस्टम रहता है। इसी तरीके से फुटबॉल के अंदर भी एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आए, जैसे ऑफसाइड एक चीज होती है आप लोग फुटबॉल में जानते ही होंगे ऑफसाइड के बारे में, तो उसको पता लगाना क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। जैसे क्रिकेट में तो आप चलो एक जगह पे हो ऐसे, ठीक है, अब उसी जगह पे आगे पीछे हुआ ठीक है, बट ऑफसाइड में मल्टीपल प्लेयर्स हैं और एक आपके पास जो रेफरी होते हैं उनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि एक्यूरेट डिसीजंस जो है ऑफसाइड की दे सकें। तो ये क्या है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे मान लो दो प्लेयर्स आपके हैं और ये दो प्लेयर्स हैं गोल पोस्ट एकदम पास में है, क्या ये ऑफसाइड है कि नहीं है। सो आपके पास बहुत मुश्किल होता है रेफरी को, ग्राउंड रेफरी को बता पाना कि ऑफसाइड है कि नहीं है फुटबॉल के अंदर। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जिसका नाम है शॉट टेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली ये शॉट टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये रिलेटेड किससे है, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, शॉट जो टेक्नोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, हमको जानना है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे ये बड़ी सी बॉल है, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है 2022 का, तो बड़ा इवेंट है, इसके बारे में प्रीलिम्स में भी अच्छे से पढ़ के चलना है, प्रीलिम्स में जो भी नई नई चीजें आएंगी, जैसे अब शॉट टेक्नोलॉजी भी इसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड हो गया तो वो देखना है, और भी कुछ यूनिक चीजें अगर होंगी इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड उसको पढ़ के जाना है। बड़ा इवेंट, जब भी कोई स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट होता है तो उस पर प्रश्न बिल्कुल फ्रेम हो सकता है, और इस बार भी फ्रेम होगा, वर्ल्ड कप है, इवन क्रिकेट में भी जो वर्ल्ड कप होता है तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपको इंटरेस्ट है
तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, जैसे कुछ अच्छा न्यूज़पेपर में आएगा दैट तो आई विल कवर, बट आपको ऐसा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लगता है कि हाँ, आप वो स्कोर नहीं देखना, स्कोर कोई नहीं पूछेगा किसने किसको हराया ये वो, लेकिन हाँ कुछ यूनिकनेस है तो दैट हैज़ टू बी सीन। जैसे एक ह्यूमन राइट वायलेशन पे बहुत चर्चा हुई थी, वो एक अलग बात है। फिर ये सॉर्ट टेक्नोलॉजी एक आपकी आ गई थी, ये व्हाट बेसिकली सॉर्ट टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है तो ये ध्यान में रख। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि जैसे बॉल होती है, फुटबॉल की बॉल है, और इसी के अंदर ये लोग कुछ ऐसा सिस्टम लगा के रखते हैं, AI बेस्ड सिस्टम जो है ऐसा लगा के रखते हैं, तो जो भी डेटा इससे जनरेट होता है, इससे पता चल जाता है कि वेदर देयर इज लाइक आपका ऑफ साइड है कि नहीं है, तो डिसीजन और अधिक एक्यूरेट होता है। क्योंकि अब क्रिकेट की तरह नहीं है इसमें कि 300 रन बन गए, 350 रन बन गए, एक बॉलर को 6 बॉल फेंकनी है, क्रिकेट जो बैट्समैन उसको बहुत सारी चीजें, तो ऐसा फुटबॉल में नहीं, अभी 2-1 से जीत रहा कोई, 3-2 से जीत रहा, इस टाइप से ही होता है। तो चांसेस बहुत कम होते हैं इन द सेंस पूरा जो भी समय होता है फुटबॉल में, तो वहां पे एक भी मिस्टेक का भी गुंजाइश नहीं। ऑफसाइड का भी अगर गलत डिसीजन होगा तो वो किसी भी टीम को बहुत ज्यादा लॉस कर सकता है, तो वहां पे वायलेंस भी बहुत अधिक होता है। मतलब फुटबॉल के जो फैन होते हैं है, और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत, अभी आप देखोगे कि अभी क्या मैच हुआ था, आई थिंक मोरक्को और बेल्जियम का, ऑल्दो आई डोंट वॉन्ट वॉट फुटबॉल, आप बताओ आप में से कोई देखता है फुटबॉल, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। तो देखो जो फुटबॉल है ना, तो उसमें अगर आप बात करो ना, तो उसमें जैसे अभी बेल्जियम और मोरक्को का मैच हुआ, तो आई थिंक मोरक्को ने बेल्जियम को हरा दिया, ऐसा ही कुछ है, एक बार आप देखना, तो राइट हो गए बेल्जियम के अंदर, वहां पर राइट हो गया, दंगा हो गया। अब ऐसा तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो, हाँ अपने दुख दर्द बांट ले वर्ल्ड कप में, जैसे अब इंडिया हार गई सेमीफाइनल में, आई थिंक हारी थी, तो वहां हार गए तो फिर ठीक है चलो, हमने भी सोचा कोई बात नहीं, थोड़े दिन दुख हुआ, बट ऐसा नहीं कि अब वायलेंस ही हो जाए, राइट्स भी हो जाएं वहां पे। तो आप बताओ बेल्जियम डेवलप्ड कैटेगरी में आप उसको रख लो, सोसाइटी डेवलप्ड है, सब कुछ है, बट वो फुटबॉल में हारे और वहां पे राइट की सिचुएशन आ गई, तो ऐसी स्थिति, तो इसको और ज्यादा उनको सेंसिटिव होना पड़ता है। अब उसमें अगर कोई हारता है 3-2 से ऐसा कुछ हारे या ऐसा, तो अगर कोई एक गोल से हार रहा है और एक गलत डिसीजन आ जाए, तो फिर वो पूरे के पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन उठा देता है। तो इसलिए जो है ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की बात की गई, तो ये पहले भी जो कई कप है, अरब कप और ऐसे फुटबॉल के कई ऐसे बड़े कप्स हुए हैं, तो उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, शॉट का देखा गया कि अच्छा कोई दिक्कत है कि नहीं, क्या क्या, क्योंकि कोई चीज आप इंप्लीमेंट करते उसके बाद ही पता चलता है, तो वो देखा उन्होंने कि हाँ ठीक है ऐसे कर सकते हैं। फिर ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें ये पूरे तरीके से इंप्लीमेंट आपका इस शॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो याद रखना है। तो शॉट का मतलब क्या, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी वीडियो ऑन फील्ड ऑफिशियल्स हैं वो अच्छा डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन मेक कर सकें। जैसे क्रिकेट में होता है कि वो डाला बॉल डाली और क्या अल्ट्रा एज लगा है क्या, और क्या वो पैड में लग के स्टंप में लग रही है क्या, LBW आउट है कि नहीं, तो आप वीडियो का इस्तेमाल करते हो। फिर वो वहां पे थर्ड अंपायर बैठे रहते हैं, वो भी सारा डेटा देखते हैं, सारा पहले से ही रहता है ना कि बॉल अगर इधर पड़ी है इस बॉलर की तो किधर घूमेगी, ये सारा डेटा पहले से फीडेड होता है, तो जैसे ही पड़ी तो ऑलरेडी डिसाइड उसका ट्रैकिंग होती है कि अच्छा यहाँ पड़ने के बाद बॉल ऐसे जाएगी, तो फिर वो जो क्या बोलते हैं कि बॉल को ट्रैक कर लिया जाता है। इसी तरीके से आप मानो कि सर्टेन डेटा के माध्यम से जानकारी ली जाती है, और ऑफ फील्ड मतलब जो आपके वीडियो और ऑन फील्ड ऑफिशियल्स रेफरीज हैं वो प्रॉपर ऑफसाइड से रिलेटेड डिसीजन दे पाते हैं। तो ये सिस्टम में 12 कैमरास आपके हैं, लाइक जो पोजीशन है बिलो द स्टेडियम रूफ, और लगभग 29 डेटा पॉइंट्स हैं हर प्लेयर पे, ऑन ईच प्लेयर एट अ पेस ऑफ 50 टाइम्स पर सेकेंड। तो पूरा आप देखो मतलब कुछ भी रूफ टॉप जो है उस पर भी कैमराज खूब सारे लगे हुए हैं, हर प्लेयर पे एक कैमरा लगा हुआ है ऐसा, और वो जो बॉल है उसमें भी है, वो अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में एक तो सेंसर है, बॉल के अंदर एक सेंसर है जिसको होल्ड किया गया, जैसे अगर आप देखोगे ना ये बॉल के अंदर सेंसर पड़ा हुआ है, ये सेंसर बॉल के अंदर भी है, और इसके बाद फिर ऊपर अपना रूफ में भी है, प्लेयर्स को भी ट्रैक किया जा रहा है, तो इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या है कि वार सिस्टम, वार का मतलब होता है, वार सिस्टम क्या है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी है, जैसे हमारे थर्ड अंपायर होते हैं ना, तो थर्ड अंपायर क्या है, वो वीडियो देख के ही बताते हैं कि डायरेक्टर प्लीज, ऐसे ही बोलता है ना कि डायरेक्टर प्लीज सो अल्ट्रा एज, डायरेक्टर ये करो वो करो, इस टाइप की बातें बोलते हैं। फिर वो डायरेक्टर मतलब जो पूरे वीडियो को होल्ड करता है कि ये फुटेज देना है थर्ड अंपायर को, तो वो फुटेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो असिस्टेड रेफरी भी होते हैं, एक कुछ जो है वो फील्ड के अंदर होते हैं और कुछ आपके जैसे एक आपका होता होगा वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो ये जो वीडियो असिस्टेंट रेफरी, इनको काफी अधिक मदद आपका मिल जाती है, क्योंकि वो
सारी चीज़ें स्क्रीन के अंदर देखते हैं, और जो डेटा आपका सॉर्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाता है उसको भी ये देख सकते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर बॉल ट्रैकिंग डेटा भी आपका रहता है, तो ये सारी चीज़ें। तो एग्जैक्ट पोजिशनल डेटा पॉइंट्स इस्तेमाल, फिर 3D एनिमेशन भी रहता है। जैसे अगर आप इमेज देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा 3D इमेज बन जाती है, सारा डेटा कि ये इस पोजीशन में है, कैमरा ने इसको ऐसे बताया, ये इधर है, ये इधर है, तो ऐसे फिर ये ऑफ साइड होगा, क्योंकि छोटा सा, अगर ये इतना सा हिस्सा, ये लाइन होती है, अगर इतना सा हिस्सा बाहर हो गया, ये इतना हिस्सा बाहर हो गया, ऑफ साइड हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा भाग के इधर जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी ऐसा चला गया, बॉल आपके पास हुई और ये आगे जाके बॉल को होल्ड कर लिया जो गोल पोस्ट के पास में अपोनेंट प्लेयर से पहले, तो ये ऑफ साइड हो जाएगा। अब इतना डिटेल कहां से, मतलब कोई बैठा हुआ है तो रेफरी भी, चलो गलती 100 में से 2 बार तो हो ही सकती है, 3 बार भी हो सकती है, बट इतने बड़े इवेंट में 3 बार भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका किया जाता है कि मतलब इतना सा भी अगर बाहर निकला है तो फिर आप इमेजिन करो ये ऑफसाइड हो जाएगा, तो तुरंत तो सीटी मार देंगे और बोलेंगे ऑफसाइड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल, तो देखो स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल स्पोर्ट्स के अंदर है, दैट ऑल्सो वी शुड नो कि अच्छा टेक्नोलॉजी है और इसमें इस तरीके से कई लेवल पे आपका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई वाज गूगल सूट फॉर इट्स लोकेशनल ट्रैकिंग प्रैक्टिस। अब देखो इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा, हमें देखो इसमें क्या जानना है, हमें इसमें जो जानना है वो जानना है लाइक वी कैन से, हमें जानना है कि किस तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं। मतलब जैसे आप कभी बताओ टेक्नोलॉजी के बारे में, या अभी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया उसमें आपने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा प्रयास हम कर रहे हैं, तो ये सब बातें जब चर्चा करते हो तो ये एक एग्जांपल बता सकते हो कि देखो गूगल क्या क्या करता है, तो ये थोड़ा 2-4 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो आर्ग्यूमेंट के अंदर, इससे जो आपका जनरल स्टडीज का आंसर और अच्छा बन सकता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि ये आप मेंशन कर सकते हो एग्जांपल के रूप में, हाईलाइट कर सकते हो, साइंस में पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर भी इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या बात हमें समझनी, बस एक दो लाइन याद रखनी कि देखो जैसे आप फोन यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग द फोन, तब इस फोन में जैसे आप क्या करते हो कि फोन के अंदर कई बार आपके पास ये सुविधा होती है कि आप अपने लोकेशन को ऑफ कर देते हो। गूगल में जब आप अपने लोकेशन को ऑन करके रखते हो, मतलब फोन में, तो पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है गूगल के पास जाता है, यहाँ जा रहे हो, इस समय जा रहे हो। अभी इसका क्या फायदा होगा, आप ये सोचोगे अरे मैं कहीं जा रहा हूँ, इससे गूगल को क्या फायदा। आप इमेजिन करो ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं, उनको पता है कि ज्यादातर समय में ये लोग ऐसा यहाँ जाते हैं ऐसा जाते हैं, तो जो आपका बिहेवियर पैटर्न है उसको डिसाइड करके मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है। यहाँ पे अगर ये इतने सारे लोग इस जगह पे जाते हैं तो ठीक है हम यहाँ पे ये चीज डेवलप कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है या बिजनेस आप कह सकते हैं बिजनेस एस्पेक्ट में हेल्पफुल होता है। तो जो इससे डेटा जनरेट होता है वो बिग डेटा का हिस्सा होता है, और वो बिग डेटा फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इमेजिन करो कि जो लोकेशन है वो लोकेशन बेसिकली आपकी लोकेशन है, तो ये एक पर्सनल डेटा है क्योंकि वो आपका स्पेसिफिक पार्ट है, इससे आप डिफाइन हो रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सनल डेटा। इस बार का जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है इट प्रोवाइड्स कि हमें अपना राइट होना चाहिए पर्सनल डेटा के कंटेक्स्ट में, हम कंसेंट देना चाहते, हम शेयर करना चाहते नहीं करना चाहते, यह हम पर निर्भर करता है। लोकेशन बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑफ कर दो, बट क्या अभी हाईलाइट किया गया है, लोकेशन ऑफ करने के बाद भी कुछ नहीं होता। इट मींस व्हाट, कि लोकेशन ऑफ करने के बाद भी गूगल आपका लोकेशन ट्रैक करता है, मतलब आपके मन में शांति रहेगी कि हाँ लोकेशन जो है ऑफ हो गई है, बट असल में वो लोकेशन गूगल तक जा रही है, लगातार लोकेशन जो है वो गूगल तक जा रही है, इस चीज की वजह से उसको सू किया जा रहा है। आई थिंक यूएस के अंदर सू किया जा रहा है और उसको ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। तो आपको बस ये कहानी नहीं लिखनी, आपको ये मेंशन करना है कि जब आप डेटा प्रोटेक्शन लॉ पर आर्गुमेंट दे रहे हो और उसमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर आर्गुमेंट दे रहे हो, ये एग्जांपल कोट कर दो वहां पे कि अरे देखो ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि आपसे कोई ऐसा नहीं पूछा गूगल को क्यों फाइन दिया, ये कोई नहीं पूछने वाला है, नो वन विल आस्क, बट यहाँ पे यू हैव टू गिव द लाइक आपको जो है मेंशन करना। ये PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा, है ना, सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम और SP लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे आई विल प्रोवाइड यू द PDF, तो आप उसको गो थ्रू हो जाता, ठीक है। सौरभ पांड्यान अकेडमी के अंदर आपको जो माइंड मैप्स है वो भी मिल जाएंगे, सौरभ पांड्यान अकेडमी के अंदर आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, नीचे लिंक दिया है SP लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल का, तो उसमें आप इसका PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब LGBT के कॉन्टेक्स्ट में कल भी आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये सोसाइटी के अंदर आप टॉपिक इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो LGBTQ जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो हमेशा याद रखना ऐसे टॉपिक पर जब भी लिखो तो बहुत मैच्योरिटी के साथ लिखना है,
ठीक है, माइंड में आपका क्या विचार है वो डिफरेंट है। आपका मेच्योरिटी शो होना कैसे चाहिए कि आप कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहे हो और संवैधानिक आर्टिकल को लिख रहे हो, संवैधानिक पॉइंट्स को लिख रहे हो। ऐसा नहीं आपके मन के अंदर कोई विचार है आप उसी को पूरे पेपर में उतर, एक गलत अप्रोच आपको आपका एक क्वेश्चन में आप कुछ ऐसा अप्रोच करके अगर आपने लिख दिया तो उसका बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें, है ना, कि जब भी आंसर राइटिंग करें तो या जब भी लिखने की आदत डालें या अपने विचार व्यक्त करें, जैसे इंटरव्यू है तो उसमें भी अगर आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हो तो वो सब बातें थोड़ा सा मन के अंदर हो कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हो जो कि इनसेंसिटिव आपको शो करे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो कि क्या हाईलाइट किया गया, कल आई थिंक हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में डिस्कस किया था। कमेंट सेक्शन बताओ स्पेशल मैरिज एक्ट किस साल आया था, और आप अपना अटेंडेंस देना मत भूलना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर ध्यान रखना है कि अटेंडेंस देना जो भी बच्चे लाइव देखते हैं। देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे मैरिज से रिलेटेड एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ आपका है, इस तरीके से डिफरेंट आपके हैं। और फिर आपके पास जैसे हमने डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस किया था, इंटरफेथ इंटर रिलीजन ऐसा कुछ जो मैरिज होता है तो उसमें आपके पास स्पेसिफिकली स्पेशल मैरिज एक्ट जो है। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट LGBTQ कम्युनिटी, तो यहाँ पे आपके पास ये मद्रास हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है, कल भी मैंने दो जजमेंट आपको बताए थे, तो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है और उसमें उन्होंने राइट टू चूज एंड मैरी अ पार्टनर वॉज कंसिडर्ड एज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को कहा गया कि अपना आप अपने मैरिज पार्टनर को चूज कर रहे हो, ये क्या है, ये फ्रीडम के कंटेक्स्ट में रखा गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड फ्रीडम के कंटेक्स्ट में है, तो ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया गया कि जो भी इंटीमेसीज हैं, मतलब आप ये मानो कि कौन किसके आप इंक्लिनेशन है, तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ जोन ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ अ जोन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो वो सब कुछ क्या, प्राइवेसी, अब प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी संवैधानिक आर्टिकल है, कौन से केस में बताओ जो प्राइवेसी है उसको संवैधानिक आर्टिकल डिक्लेयर किया गया था, ये केस बताओ, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो प्राइवेसी पर इसको प्राइवेसी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड फ्रीडम, दो चीजों से इसको कनेक्ट किया गया। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट सर्टेन थिंग्स, है ना, कि हम लाइक कोई भी लीगल या स्टेटरी बार टू सेम सेक्स एक्वायर मैरिज, यहाँ पे इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई लॉ लेकर आया जाता है और इसको रोका जाता है तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्यों, क्योंकि इट कैन बी अगेंस्ट आर्टिकल 14, 15 एंड 21, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, इक्वालिटी के खिलाफ जो है हो सकता है, तो ये इसलिए क्या है कि इट मे गो टू गो अगेंस्ट दीज आर्टिकल्स। तो देखो 6-7 आर्गुमेंट अगर आपके पास है, कि मेरे पास अगर अगर इस टॉपिक पे प्रश्न आता है तो दो केसेस कल मैंने आपको बताया था, एक ये बता दिया ये सारा, और संवैधानिक के 2-3 पॉइंट्स था, तो ये 6-7 आर्गुमेंट आपके पास, कोई भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछता आप आंसर कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा जो है इसमें पूरा बहुत बड़े आर्टिकल्स आपको याद करके रखने पड़ेंगे या बहुत बड़े केस लॉज देखने पड़ेंगे, आपके पास कंटेंट ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड का मतलब चलते रहते हैं वो टॉपिक, कभी कभी दिखते हैं, तो आपको उसमें कंटेंट बना के अपना जो है ऑलरेडी रख लेना है, ठीक है, ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे अगर प्रश्न आता है तो ये मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर डेटा इन्फॉर्मेशन पर ही आप तैयारी कर रहे हो कि डेटा है इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ वही लिखते जा रहे हो, हेडलाइंस लिखते जा रहे हो, जैसे अभी एनजेएस के एनजेएससी के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, फ्रंट लाइन में हेडलाइंस है, अब उसमें देखो आर्टिकल आएंगे, अभी हफ्ते में आर्टिकल आ जाएंगे, तो भी आपको हेडलाइंस वहां पे नोट नहीं करनी है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेंटर मस्ट प्रेजेंट करेक्ट इन्फो ऑन जीएम मस्टर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे जैसे जो मस्टर्ड की नई वैरायटी आपकी जो उसको अप्रूव किया गया था जीएम वैरायटी, ठीक है, तो आई थिंक डीएमएच 11 नाम से, तो उसके कंटेक्स्ट में कहा कि पूरा जो डेटा है वो होना चाहिए, डेटा सामने रखना चाहिए, ऐसा हाईलाइट किया गया। तो अभी हमारे लिए जानना क्या है कि एक तो जीएम क्रॉप के बारे में जानना है, दूसरा इसके रेगुलेशन के बारे में भी हमको जानना है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखना ही चाहिए, यहाँ से बिल्कुल जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस अबाउट, देखो जीएम का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये इमेज से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिविंग सिस्टम, जैसे प्लांट की ही बात कर लो, वो लिविंग सिस्टम, उसके अंदर सेल है, सेल के अंदर डीएनए, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, फिर आपका डीएनए है,
तो डीएनए के सेगमेंट्स जीन कहलाते हैं। तो यहां पे क्या है, क्लोनिंग एंड डिजाइनिंग जीन्स। तो ये आपका क्या है, ये आपका डीएनए है। अब यहां पे क्या है, इस डीएनए के सेगमेंट में जीन होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, सर्टेन मान लो इस बैक्टीरिया से कुछ जीन्स आपने लिया और उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ये जीन। अब ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर इसका आपने कल्चरिंग की, ऐसा मतलब लैब में इसको ग्रो किया, फिर ऐसा प्लांट आपने नया बना दिया। अब इससे क्या होगा, ये जो नया प्लांट आप बनाओगे उसमें जो एक नई जीन डाली गई है जो कि इस बैक्टीरिया से ली गई है, वो इस प्लांट में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, ठीक है, तो ये बीटी कौन है, ये बीटी कौन है, ये बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस। ये क्या है, इट्स अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से आपने कुछ कंपोनेंट लिया, जैसे मान लो वो बैक्टीरिया से जो आपने जीन ली वो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राइप्रोटीन। क्राइप्रोटीन एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है, जैसे कीड़ों को मारने के लिए आपको दवा चाहिए होती है ना, जिसका नुकसान होता है कि अगर वो दवा डाला खेत में तो खेत में जो आपका सॉइल है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होगा और हमारे शरीर में भी नेगेटिवली वो अफेक्ट होगा, प्लांट में भी नेगेटिवली अफेक्ट होगा, हर चीज मतलब शरीर में वो केमिकल जाएगा, सॉइल में जाएगा, सॉइल अफेक्ट होगा, प्लांट में जाएगा, प्लांट अफेक्ट होगा, हम खाएंगे, हम अफेक्ट होंगे। तो इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल को कम किया जाए, तो इसमें आपने क्या किया, प्लांट में ही बदलाव कर दिया और उसमें ये जीन डाल दी जिससे कि वो क्राइप्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ये क्राइप्रोटीन क्या होता है कि जो ये कीड़ों के लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला, जैसे ही वो पेड़ को पत्तियां खाएगा कीड़ा वो मर जाएगा वहीं पे, तो खाएगा ही नहीं फिर, ठीक है, या बहुत कड़वाहट होगी या मर जाएगा, तो ये टॉक्सिक होता है। इस वजह से क्या है कि एक जीन की वजह से आपके हजारों करोड़ रुपए जो कि इस केमिकल पे खर्च होते थे वो आपको जरूरत नहीं है और आपकी उन कीड़ों से क्रॉप भी बच गई। तो ये जो क्रॉप है जब आप जेनेटिक लेवल पे बदलाव कर देते हो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक क्रॉप की जो है टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से अभी मस्टर्ड की एक वैरायटी को भी मतलब कंप्लीट कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं, बट हाँ उसको अलाउ किया गया है कि हाँ आपको आप कर सकते हो। तो एक प्रोसेस में है कि हाँ हम मस्टर्ड को, जैसे अभी सिर्फ एक ही है जिसको हम कमर्शियली ग्रो कर सकते हो, बीटी कॉटन है। तो बीटी कॉटन है, अभी बहुत चर्चा होती है कि जैसे मस्टर्ड के लिए चर्चा होती है डीएमएच 11, उसके बाद आपकी बीटी ब्रिंजल की चर्चा होती है और आज के समय में और ज्यादा इसका रेलिवेंस हो गया। मतलब अगर आपसे प्रश्न आए कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, तो ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो जीएम वाला। दूसरा ये है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो प्लांट्स हैं उनका उनका जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी कि आउटर एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हो उसमें वो सर्वाइव कर सके, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव अगर उन्हें करना है तो उनकी जो कैपेबिलिटी वो इतनी अधिक नहीं है। जैसे मान लो बाहर बहुत पानी की कमी है या बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर या सूखा है, ऐसी स्थिति में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्लांट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको जेनेटिक लेवल पे बदल दो, ऐसा कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। लेकिन अगर आपने उसमें बदलाव किया उसका क्या अफेक्ट होगा आपको पता नहीं है। आपने जैसे जो है प्लांट के जेनेटिक लेवल पे बदल दिया, उसको कुछ नई जीन डाल दी, अब वो जब आप प्लांट का प्रोडक्ट को खाओगे, अब आपका शरीर कैसे उसमें जो है रिएक्ट करता है, क्या एलर्जिक हो सकता है कि नहीं, फिर आपकी बहुत सारी इंडिजिनस वैरायटीज हैं, लोग उसका ग्रो नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी, फिर आपको जो भी फार्मर्स होंगे उनको लगेगा यार इसको ग्रो कर लेते हैं कि सूखा भी पड़ेगा तब भी ये उगता है तो हमें पैसे का नुकसान नहीं होगा, लोग फिर उसी को ग्रो करेंगे, फिर आपके पास तो इंडिजिनस वैरायटी बचेगी ही नहीं, तो आपकी जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सब चैलेंजेस हैं यूज करना, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो अब कैसे आप रेगुलेट करोगे, तो रेगुलेशन के लिए कई पॉइंट्स हैं। जैसे आपके पास जब भी ऐसी क्रॉप पर रिसर्च होती है तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी होती है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, तो ये सब कुछ नजर रखती है, ठीक है। तो सारा नजर जो है इसके अंदर रहता है। फिर आपका जैसे कुछ रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी किया जाता है, सर्टेन लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी आपका किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन को अप्रूव किया गया था कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। फिर कई प्रकार की स्टडी जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके द्वारा आपकी स्टडी भी की थी। फिर पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी पॉइंट, ये सब आर्गूमेंट आप दे सकते हो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड टॉपिक मॉडिफाइड क्रॉप पे कोई प्रश्न आता है। तो यहाँ पे देखो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी कहा कि जीएम क्रॉप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, अभी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जब आप क्रिटिकल साइंटिफिक इवोल्यूशन इवेल्युएशन कर लो, अच्छा इसका फायदा क्या है, अच्छा इसका नुकसान क्या है, तभी जाके आप इसको इंट्रोड्यूस करो। ये बात 2017 के अंदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोल दिया, तो ये बात आप मेंशन कर सकते हो स्पेसिफिकली। दूसरा 2002 के अंदर आपका क्या है, बीटी कॉटन का जो हाइब्रिड वैरायटी उसको रिलीज किया गया था जो कि कॉटन बुलवर्म
कॉटन बुलवर्म क्या है, यह प्रश्न आपके लिए बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर। यह कीड़ा है जो कि कॉटन के पौधे को खराब करता है। तो ये जो बुलवर्म है कॉटन बुल, इससे बचने के लिए आपका बीटी कॉटन हाइब्रिड जो है वैरायटी डेवलप आपकी जो है डेवलप की गई, बीटी कॉटन हाइब्रिड वैरायटी आपकी डेवलप किया गया। तो बीटी ब्रिंजल इसी तरीके से ब्रिंजल सूट फ्लाई के खिलाफ आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंट है। तो ये जो नई वैरायटी जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिक लेवल पे मॉडिफाई करके आप डेवलप कर रहे हैं वो कीड़ों के प्रति रेजिस्टेंट है। एक रेजिस्टेंट है आपका बॉलवॉर्म के खिलाफ, एक रेजिस्टेंट है जो ब्रिंजल है वो रेजिस्टेंट है ब्रिंजल सूट फ्लाई के खिलाफ, आपका जो है वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अभी जैसे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 का अप्रूवल हुआ है तो इसी पर इशू आ रहे हैं कि आप सारा डेटा सामने रखो, क्योंकि ऑलरेडी 2017 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि अगर आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करना चाहते हो तो उसका पूरा साइंटिफिक इवेल्युएशन करो, बेनिफिट क्या है रिस्क क्या है और उसके बाद ही करो। तो कोर्ट ने क्या बोला, अब ये लाइन समझो कि अब कोर्ट ने ये क्यों बोला ऐसा, कोर्ट ने कहा कि आप जो है पूरा डेटा प्रेजेंट करो सेंटर को बोला तब आप फिर आगे का कदम उठाओ, उसके पीछे ये सारा का सारा कंटेक्स्ट है जो हमने डिस्कस किया, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर से हेडलाइंस ही पढ़ लोगे कि कोर्ट ने बोला तो वो काम का नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो फिर आपका देखो यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना GM क्रॉप्स पे, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसजेनिक इन क्रॉप्स ये लॉन्च किया गया था 2005 के अंदर, जिसके माध्यम से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप की जाती है, पीजन पी चिक पीस अलग अलग ऐसे वराइटीज आपकी डेवलप की। तो ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट भी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, जिसके माध्यम से प्रयास किया जाता है कि चलो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नए नए वराइटीज GM वराइटीज हम डेवलप करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं GM क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में, और यहाँ पे आपके पास लाइक गाइडलाइंस GM सीड्स, मतलब जो भी GM क्रॉप है उसके लिए GM सीड्स की जरूरत होगी, उन क्रॉप्स की जो सीड होंगे वो उसको GM सीड्स बोलेंगे, तो उनके लिए भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आपके हैं, क्योंकि जब सीड रिलीज होता है मार्केट में उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सरकार का बना हुआ है। फिर आपके पास GEAC है, फिर उसी तरीके से आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, तो ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर आपका GEAC है, ये सब क्या है, ये सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर रखना है। अगर आपसे पूछे कि GM क्रॉप का रेगुलेशन कैसे होता है क्या है, तो ये बातें मेंशन आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एवर लॉन्च पैड आपका बनाया गया। ये फर्स्ट एवर लॉन्च पैड जो है श्रीहरिकोटम बनाया गया, तो लॉन्च पैड मतलब प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स के लिए, प्राइवेट कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो इस लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया आपका किया जा सकता है। तो ये अग्निकुल करके है, चेन्नई हेडक्वार्टर स्पेस टेक स्टार्टअप है, तो उसने इसको डेवलप किया है, तो अब इसको अभी इनॉग्रेट किया गया, तो ये आपको प्रीलिम्स कॉन्टेक्स्ट में देखना है। और यहाँ पे आप इस आर्गुमेंट को यूज कर सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल स्पेस टेक्नोलॉजी में हो सकता है, ये ध्यान में रखना। टुडे आई विल टेक अ फ्री क्लास अनअकैडमी के अंदर, मैं लिंक आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना, SP लाइव करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पे, सौरभ पांडे अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड, नेशनल पार्क की जो ज्योग्राफी है रिसेंट आस्पेक्ट से रिलेटेड, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, 2 क्लासेस, 1 4 बजे 1 10 बजे, फ्री क्लास है। ठीक है, तो वो मैं आपसे लिंक शेयर करूँगा, उसको आप लोग जरूर से कर लेना, क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग मिस कर देते हैं। जो नेशनल पार्क है उनकी ज्योग्राफी जो रिसेंट कंटेक्स्ट में है, ठीक है, तो वो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगा। ऐसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स आई विल ट्राई टू कवर फ्री क्लास के अंदर, है ना, इट विल बी फ्री क्लास, तो लिंक आपसे शेयर करूंगा, उसको आप लोग जरूर से करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लॉस एंड डैमेज डिसीजन, पिटफॉल्स एंड प्रॉमिसेस। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आई एम हाईलाइटिंग, लॉस एंड डैमेज के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी डिटेल पे आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, क्या चैलेंजेस हैं, क्या डेवलप्ड देश करना चाहता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो बार बार वही रिपीटेड आता है, तो फिर वो बार बार रिपीटेड फिर आपका नोट्स मल्टीप्लाई होंगे। CBDR कॉमन बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब एक जो नया है इसमें आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट है वो है दैट इज एक स्कीम है, और वो स्कीम का नाम है जो कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है अभी, आज उसको पढ़ेंगे, वो है ग्लोबल शील्ड स्कीम। ठीक है, तो ये मेंशन करना, ग्लोबल शील्ड स्कीम, ग्लोबल शील्ड स्कीम के बारे में जो है वो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे देखो कई, जैसे पंचामृत है, गोल है, ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अब इन्हीं में से आपको आर्गुमेंट्स निकाल के रखना, क्योंकि हर बार वही सेम सी आर्गुमेंट्स लेकर चलोगे ना तो वही सेम टॉपिक पे मल्टीपल इतना कंटेंट आ जाएगा कि फिर वो सही नहीं रहता है।
आपके पास अगर किसी भी टॉपिक पे पॉइंट्स आपने क्रिएट कर रखे, कोई भी प्रश्न आएगा तो एटलीस्ट उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो, यही पर्पज होना चाहिए। अब ये नई चीज है, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसको डिस्कस करते हैं। ग्लोबल शील्ड स्कीम ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ग्लोबल शील्ड स्कीम के बारे में, तो इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट बेसिकली इज ग्लोबल शील्ड स्कीम? तो ग्लोबल, देखो ये एक इमेज दिखा रहा है कि लॉस एंड डैमेज। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन अडॉप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज। अब देखो जर्मनी, ये जो स्कीम है, जर्मनी और G7 ने ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस COP27 में इसको रखा है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जर्मनी लगभग यूरो 170 मिलियन प्रोवाइड करेगा ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव के लिए। तो यहाँ पे देखो इंश्योरेंस इनिशिएटिव के लिए, तो मतलब जो लो इनकम वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस मतलब जैसे जैसे क्रॉप है, क्रॉप के लिए आप रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास स्कीम है जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर की वजह से एक सोशल प्रोटेक्शन जो है सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना इस इनिशिएटिव के तहत वो आपका किया जा रहा है, ठीक है, इट इज बीइंग डन। तो ये एम क्या है, लो इनकम और वल्नरेबल कंट्रीज को हेल्प करना। और इस स्कीम के तहत जैसे अलग अलग देश हैं, G7 कंट्रीज हैं, जर्मनी, उसने भी कहा कि हम जो है ये स्कीम के तहत जो मदद है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो मदद है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ आपके हाईलाइट किया। तो इसमें जैसे कनाडा, आयरलैंड, डेनमार्क, उन्होंने भी कहा कि हम इतना पैसा प्रोवाइड करेंगे। और ये स्टेप क्या है, टुवर्ड्स लॉस एंड डैमेज। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड व्हाट बेसिकली इज अ लॉस एंड डैमेज। तो लॉस एंड डैमेज फंड के डायरेक्शन में ही ये एक कदम है जिसे हम ग्लोबल शील्ड स्कीम कहेंगे। इसमें प्रीलिम्स का भी प्रश्न बन सकता है कि रिसेंटली ग्लोबल शील्ड स्कीम न्यूज में थी, तो ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट। तो ये हमको याद रखना है कि एक प्रकार से क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस स्कीम है इंटरनेशनल लेवल पे। लो इनकम कंट्रीज को ये जो इंश्योरेंस स्कीम है इसके तहत इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ लॉस एंड डैमेज एस्पेक्ट। जो भी रिस्क एसोसिएटेड है, क्लाइमेट रिस्क एसोसिएटेड है, उसमें इंश्योरेंस है वो आपका प्रोवाइड किया जाएगा, ये स्टेप आपका लिया जाएगा। कल प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज के अंदर जो आपकी हुई है उसमें आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक, लीथ सॉफ्टवेल सॉफ्टवेल टर्टल और नसीम अल बाहर, जिसमें जो टॉपिक है हमने कवर किया, लगभग 7 टॉपिक कवर किए थे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो लिंक आपको इसी में मिल जाएगा, मतलब इसी चैनल के अंदर है, वीडियो कैटेगरी में जाओगे ना तो वहां पे आपको यू कैन सी, आपको देख सकते हो सेशन को। ये नोट कर लेना है ना, 23-24 की तैयारी करो, नोट करना, 25 ही कर रहे हो तो मत करना, 23-24 में ये लोग आप मिस मत करना, थोड़ा सा समय लगता है बट आप नोट कर लोगे, इट विल बी इजी फॉर यू। डाउन टू अर्थ के कुछ 3-4 टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, तो ये थोड़ा सा आप लोग प्रयास जो किया जाता है इसको आप लोग फायदा इसका आपको उठाना चाहिए। अब आप में से कहेंगे सर इसी में सब कुछ करा दो इसी सेशन में, अब वो टॉपिक बाद में पब्लिश होते हैं और इट्स नॉट पॉसिबल कि इतने सारे टॉपिक्स को फिर सारा पढ़ के और फिर मॉर्निंग में लाइव हो जाना, इतना आसान नहीं है ये, ठीक है, इस चीज़ को आप समझने को प्रैक्टिकली आप सोचो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो, अनअकैडमी.com में जाना, UPSC CSE सेलेक्ट करना, कोड डाल देना SPLIV और ज्वाइन कर सकते हो। तो नया कोर्स December 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो इसका फायदा क्या है जब आप ज्वाइन करते हो, तो एक तो ये जो जितने भी बैच कोर्सेस हैं जैसे टॉप एजुकेटर्स के जो बैच कोर्सेस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो, ये सारे एक्सेलरेट बैच है, ये सारे बैच कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो, इंडिविजुअल कोर्सेस सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये और अभी देखो 30th November लास्ट डे है ऑफर का, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, इस अमाउंट में आपको ऑप्शनल भी मिल रहा है, आपको जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने सब एक्सेस कर सकते हो। मेरा भी जो कोर्स आ रहा है उसको भी आप पूरे साल भर या 18 महीने तक एक्सेस कर सकते हो, तो ये आपके पास बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसका फायदा आप लोग जरूर से उठाएं। सो थैंक यू एवरीवन, आप UIS चैनल को जरूर से जो है सब्सक्राइब करें, UIS चैनल को उसको सब्सक्राइब जरूर से करना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसका PDF मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है, PDF आपसे शेयर होगा टेलीग्राम चैनल SPLIVE, पूरा करंट अफेयर्स लिख देना, ठीक है, इस पर आपको जो है SPLIVE करंट अफेयर्स, इसका माइंड मैप सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मेंस मॉक हर संडे को आई अपलोड, ऑलरेडी मेंस के जो पूरे वीक के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है, तो वो वीकली जो मॉक टेस्ट मेंस का होता है उसको आप लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।